नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश वीवी के अंदर। तो आज हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो सबसे सुपर डुपर मूवी यहाँ पे आई हुई है एवेंजर एंड गेम, इसने अपनी छाप जो है पूरी दुनिया के अंदर छोड़ी हुई है। फिलहाल तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मूवी चली हुई है। तो आज हम बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या क्या कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो की गई हैं। गलतियाँ नहीं कह सकते, फिर भी जो छोटी छोटी ध्यान देने वाली बातें थी उसके बारे में हम आज बात करते हैं दोस्तों। बस मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है ये मूवी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको ये मूवी थिएटर में नहीं देख पा रहे हो तो आपको अगर ये आपके मोबाइल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं आपको एक लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूँ या एक वीडियो बना के दे दूँ कि आप किस तरह से इस मूवी को डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं वो यहाँ पर जो है शो की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो थोर ने अपना जो कुल्हाड़ा बनाया था यहाँ पर, उस कुल्हाड़े को पिछली मूवी के अंदर इन्फाइनाइटी वार के अंदर थोर ने एक ही झटके के अंदर थैनोस के आर पार उसको कर दिया था। लेकिन अगर हम इस मूवी की बात करें तो यहाँ पे थोर, कैप्टन अमेरिका तथा टोनी तीनों मिलकर भी जब थैनोस के साथ लड़ते हैं जो कि पास्ट से आया है, तो वो तीनों इसके सामने जो है नहीं टिक पाते हैं। ना ही थोर का यहाँ पर कुल्हाड़ा चल पाता है, ना ही कैप्टन अमेरिका और ना ही ये अपना आयरन मैन, इनके आगे नहीं टिक पाते हैं और तीनों के छक्के जो है थैनोस यहाँ पे छुड़ा देता है, मार मार के इनकी बुरी हालत कर देता है। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है वो भी थैनोस तोड़ देता है दोस्तों। तो दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि जो हथौड़ा यहाँ पे थोर का था वो कोई भी अब तक उठा नहीं पाया था थोर के अलावा, यहाँ तक कि हमारा हल्क है वो भी इसको नहीं उठा पाया था, किसी मूवी में आपने देखा था। लेकिन इस मूवी में क्या होता है कि एक ही झटके के अंदर कैप्टन अमेरिका इसको उठा लेता है, और उठाना उठाना नहीं दोस्तों, इसके साथ फाइट भी जो है यहाँ पर करता है कैप्टन अमेरिका। अगली जो हम बात करते हैं कि जब ये लोग पास्ट में जाते हैं तो इन सभी के पास एक एक पार्टिकल ही होता है कि ये लोग वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो बाकी सब लोग तो अपनी अपनी मणि लेकर के वापस आ जाते हैं, लेकिन जो नेबुला है वो उसको वहीं पे थैनोस जो है वो पकड़ लेता है। लेकिन अब दोस्तों हम आगे की अगर बात करें तो नेबुला सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है और वापस पीछे से थैनोस और उसकी पूरी सेना तथा उसके जो प्लेन्स हैं वगैरह हैं, फाइटर जेट हैं, उन सभी को यहाँ पे बुला लेते हैं। तो दोस्तों जब उसके पास एक ही यहाँ पे अगर पार्टिकल था वापस आने के लिए, तो वो जिसके ऊपर वो खुद आ जाती है या उसके द्वारा दूसरी ने बोला जो भेजा जाते वो आ जाती है, फिर वो पीछे से सारे के सारे जो है थैनोस की सेना और वो सब यहाँ पे कैसे किस तरह से आ जाते हैं दोस्तों, इस बात का अभी तक समझ में नहीं आया है जो गलती यहाँ पे की गई थी डायरेक्टर के द्वारा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर ये मूवी है, काफ़ी कॉमेडी इसके अंदर हिंदी डबिंग के अंदर की गई है, बहुत ही मज़ेदार मूवी है, आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए, मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।